जहां एक और जनपद चमोली में सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भरमार है और लोग अपनी अन्य बीमारियों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल तक जाने से कतरा रहे हैं, तो वहीं ऐसे में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन द्वारा जनपद चमोली के दूरदर्श क्षेत्रों में जहां की सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है, वहां हेल्थ कैंप आयोजित कर लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में आज सेकोट प्राइमरी विद्यालय में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इन कैंपों में विभिन्न तरह की जरूरी जांचें कर जरूरत के हिसाब से दवाइयां भी दी जा रही हैं। चेकअप के दौरान जो मरीज गंभीर पाए जा रहे हैं उनको आगे के इलाज के लिए निशुल्क एम्बुलेंस व अस्पताल में दाखिला कर इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध की जा रही हैं। दूरदर्श क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों के पहुंचने से ग्रामीणों को बड़ी राहत पहुंच रही है व ग्रामीणों ने इसके लिए आभार भी प्रकट किया है। सर, मेरा नाम कृष्णा पुरोहित है और मैं यहाँ पे जो सेकोट प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय से जो कैंप लगा है उससे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली है। गांव के जो लोग हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो गांव से बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही सुविधा मिली है यहाँ पे। जैसे ECG वगैरह, BP, शुगर, कई सारी बीमारियों का हम यहाँ पे इलाज के लिए दिखा पा रहे हैं और लोगों को, लोग इतने खुश हैं कि सारे लोग यहाँ जो हमारा कैंप है सर, इसमें बेसिकली हम टेम्परेचर, BP, शुगर, ECG और पल्स ऑक्सीमीटर ले जाके उनका ऑक्सीजन लेवल जो बेसिक है जिससे डॉक्टर को जो उनका मरीज का ट्रीटमेंट करने से पता चलता है कि हाँ या कोविड सस्पेक्टेड हैं या फिर उनको सांस लेने में दिक्कत है, ऐसे पेशेंटों को हम तुरंत इमीडिएट बुलाते हैं और जो बेसिक सुविधाएं हैं इस कैंप के द्वारा टोटली फ्री दिया जाता है। दवाई से लेके जांच, ECG सब कुछ फ्री है। अभी हम कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे हमको कुछ ऐसे मरीज मिलते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है या सांस लेने में दिक्कत है या बुखार है, वो मरीज आते नहीं है हॉस्पिटल या फिर आने में आजकल असमर्थ है क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो उनको हॉस्पिटल के द्वारा पूरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बताया जाता है कि अगर आपको गाड़ी नहीं मिल रही तो हम अपना हॉस्पिटल का एम्बुलेंस भेजेंगे और आपको अपने हम यही पीपलकोटी हॉस्पिटल में एडमिट करके जो भी ट्रीटमेंट होगा वो टोटली फ्री होगा, गाड़ी से लेके एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल तक कोई चार्जेस नहीं होगा। तो उनके फॉलोअप में भी हम ये चीजें देखते हैं मरीजों के। जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा द्वारा पीपलकोटी में स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय जो काफी लंबे समय से संचालित है और जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है और जहां भी स्वास्थ्य विभाग की जितने भी हॉस्पिटल हैं आजकल केवल और केवल कोरोना से संबंधित पेशेंटों के ऊपर निर्भर हो गए हैं, उन्हीं का इलाज कर रहे हैं और ग्रामीण लोग भी अस्पतालों में आने से डर रहे हैं या बहुत दूर दूर जो गांव हैं वहां से उनको वाहन की भी व्यवस्था नहीं मिल पाती है और काफी दूर भी हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ऐसे गांव में जो दूर दराज के गांव हैं 10-10, 12-12 किलोमीटर मुख्य मार्ग से दूर हैं, उन गांव में जाकर वहां पे उनका इलाज और उपचार कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो जनपद चमोली के विकासखंड जोशीमठ के और विकासखंड दसोली के लगभग 9 जगह हम कैंप लगा चुके हैं और 9 कैंपों के माध्यम से लगभग 30 गांव को लोगों को लाभान्वित हम कर चुके हैं। हमारे इसमें कैंप में ECG से लेकर ब्लड शुगर की जांच, निम्बुलाइजेशन और तमाम किस्म के कई, जैसे हम 12 किलोमीटर किमाणा गए थे वहां पे हमने देखा कई मरीज ऐसे थे जो सालों से और महीनों से बिस्तर में पड़े थे क्योंकि उनके यहां से काफी दूर सड़क मार्ग था, वो लोग नहीं आ पाए थे। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम उनके घरों में जाकर उनका परीक्षण किया, उनको चिकित्सा की सुविधा दी